इतना कम पैसा है बॉडी बिल्डिंग में, तो ये मेरा पैशन है, मैं ये पैसे के लिए नहीं करता। हाय गाइस, मेरा नाम है जुनैद कलीवाला, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे एक सब्सक्राइब बटन है वो दबा दे, और बाजू में बेल आइकन है वो दबा दे। बेल आइकन दबाने से ये फायदा होगा कि आप मेरी कोई भी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं, यानी कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर आप जब भी आपके पास टाइम रहेगा आप देख सकते हैं। आज बात करते हैं बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पे, कि जो आपने कैप्शन पढ़ी लिया है, स्टीरॉयड लेना जरूरी है नहीं जरूरी है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि अभी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का रीजन एक ये था कि मैं रिसेंटली पुणे गया हुआ था। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, और अगर नहीं करते तो लिंक नीचे बायो में, वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मेरी डेली अपडेट्स के लिए। तो मैं रिसेंटली अभी पुणे गया हुआ था फिट फूड कंपनी की न्यू फ्रेंचाइजी ओपनिंग के लिए। वैसे गाइज मैं आपको ये बता दूं कि फिट फूड कंपनी अब पुणे में भी मील सर्व कर रही है, मैं नीचे एड्रेस डाल दूंगा, तो अगर आप पुणे से तो वहाँ पे जाके अपने मील्स इंजॉय कर सकते हो। मैं बात कर रहा था कि जैसे कि मैं जाता हूँ तो लोगों से मिलता हूँ और लोगों के क्वेश्चंस आंसर चलते रहते, तो कुछ लोग मुझे वहाँ पे मिले और उनमें से लोगों के क्वेश्चंस ये थे, काफ़ी सारे अलग अलग क्वेश्चंस आए थे, किसी का फिटनेस से रिलेटेड था, किसी से पर्सनल लाइफ से रिलेटेड था। बट एक क्वेश्चन मुझे आया, एक बंदा था, मुझे उसका नाम तो याद नहीं है, बट मेरे ख्याल से 19 या 20 साल का था, एंड ही इज़ अ पावर लिफ्टर। तो वो बंदे ने मुझे ये पूछा कि सर मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ और मैंने रिसेंटली एक बेंच प्रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया था, और जिसमें आई गेस वो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे था, जिसके अंदर उसने ब्रॉन्ज मेडल लाया था। तो फिर उसके बाद में ऐसा होता ना कि जब हम शो खेल लेते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन खेल लेते, तो उसके बाद में हम लोगों को जाके पूछते कि यार क्या गलती रहेगी कि मेरा ब्रॉन्ज आ गया, या क्या गलती होगी मुझे गोल्ड नहीं मिला, या मुझे और क्या करना चाहिए। तो उसका कहना था कि मुझे सब लोगों ने ये सजेशन दिए कि आप कोई स्टीरॉयड्स ले लो, आप एनाबॉलिक ले लो, बिना इसके कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरा उससे सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि इज इट योर पैशन और प्रोफेशन। तो मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे, इसको स्टॉप करके मैं एक दूसरी चीज बता रहा हूँ पैशन और प्रोफेशन के बारे में, कि पैशन और प्रोफेशन में क्या फर्क होता है बताऊं। मैं अपने ऊपर लेके बताता हूँ। कंपीटिंग, बॉडी बिल्डिंग कंपीटिंग इज माय पैशन, पर्सनल ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, वर्किंग, दैट्स माय प्रोफेशन। पैशन और प्रोफेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन लोग उसे समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और बोलते हैं कि मेरा पैशन है, मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है। ठीक है, आपका पैशन है बॉडी बिल्डिंग करना है, लेकिन आप प्रोफेशन क्या करोगे? आप बॉडी बिल्डिंग से पैसे नहीं कमा सकते हो। पैशन कैन नॉट फीड योर फैमिली, प्रोफेशन कैन फीड योर फैमिली। तो जब आप पैशन की बात करते हो तो बॉडी बिल्डिंग एक पैशन है, जो मेरे लिए भी एक पैशन है, मैं करता हूँ। मैंने आज तक के जितने शोज जीते, तकरीबन 10 गोल्ड मेडल है मेरे पास में, नेशनल इंटरनेशनल मिला के, वो 10 गोल्ड मेडल में जितने पैसे मैंने कमाए ना, उससे मैं कंपनी एक एक नेक्स्ट शो की ट्रिप भी नहीं ऑर्गेनाइज कर सकता। यानी कि समझ रहे हो आप उससे कितना पैसा मैं, जितने भी शोज मैंने आज तक जीते, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, उन सबके भी मैं अगर पैसे जोड़ दूं ना, तो मेरी नेक्स्ट शो की एक ट्रिप भी नहीं ऑर्गेनाइज हो सकती है। इतना कम पैसा है बॉडी बिल्डिंग में। तो ये मेरा पैशन है, मैं ये पैसे के लिए नहीं करता हूं, मैं ये शौक के लिए करता हूं, मुझे मजा आता है करने में। फिर वो एक फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, वो तो कॉम्पिटिशन है, लेकिन वो मेरा पैशन है। मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि अगर मैं जीतूंगा तो ही मेरा घर चलेगा और हारूंगा तो नहीं चलेगा। प्रोफेशन मेरा क्या है? पर्सनल ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग और दूसरे जो भी काम मैं करता हूँ, दैट्स कॉल्ड प्रोफेशन। प्रोफेशन वो होता है जिससे आप पैसे कमाते हो, जो आपका बिजनेस है, जिसमें आप फायदा नुकसान देखते हो, जिसमें आप ये देखते हो कि ये अगर नहीं हुआ तो मेरे घर में मैं पैसे कैसे दे सकता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे पूरी कर सकता हूँ। यानी कि अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो तो अच्छी बात है, वो फैशन है। आप बॉडी बिल्डिंग में, यानी सिर्फ बॉडी बिल्डर नहीं होते, बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारी कैटेगरीज हो गई है, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग है, फिर क्लासिक फिजिक है, मेंस फिजिक है, ये सब बॉडी बिल्डिंग के ही अंदर आता है। इसकी सिर्फ कैटेगरी अलग है, आपको चूज करना है कौन सा खेलना है। तो जो, और अगर आप पैशन ये है और प्रोफेशन आप अगर फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ बनाना चाहते हो ना, तो यू हैव टू बी आइदर अ पर्सनल ट्रेनर, ऑनलाइन कोच, ऑनलाइन ट्रेनर, यूट्यूबर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर। तो ये सब चीजें आपका प्रोफेशन हो सकता है। पैशन और प्रोफेशन एक नहीं हो सकता, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग से कोई पैसा नहीं कमा सकता है। मैं यही बात उससे ये बता रहा था और मैंने उसे भी यही समझाया। तो उसने मुझे ये बोला कि सर आपको क्या लगता है, मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैंने उसे सिर्फ एक चीज बताया कि अगर ये आपका पैशन है, तो उसने बोला हाँ मेरा पैशन है। तो अगर ये आपका पैशन है तो मेरे हिसाब से आपको वाइसली डिसाइड करना है कि आपको लेना है या नहीं लेना। मैं कोई नहीं होता आपको बोलने वाला कि आप ये लो या मत लो, और मेरे हिसाब से दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बता सकता आपको कि आप ये लो या नहीं लो, बिकॉज कोई भी आपको बताने का हक रखता ही नहीं है।
वो आप खुद चॉइस कर सकते हो। जैसे कि जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, जब आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो तो ये सब चीजों की भी चॉइसेस आपकी होनी चाहिए। जिस इंसान को ये पता है कि ये नाम की एक चीज है इस दुनिया में, तो उस नाम के फायदे और नुकसान भी है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल बात बता दूं, ये कफ सिरप है, ठीक है, ये मेरे घर में पड़ी थी, बहुत अच्छी एग्जाम्पल मिल गई, ये कफ सिरप है। अभी मुझे 2-3 दिन से सर्दी हुई है, मुझे कफ सिरप है, ठीक है। अब मैं ये चीज को जितना डॉक्टर ने सजेस्ट किया मैं उतना पी रहा हूँ। अगर मैं इसको रोज पीऊंगा तो मेरे लिए नुकसान करेगी, इसलिए मैं रोज नहीं पीऊंगा ना। भले मेरे घर में पड़ी है, लेकिन मैं इसको तभी पीऊंगा जब इसकी जरूरत है। तो उसी तरीके से मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको कोई भी चीज, चाहे वो फिर सप्लीमेंट हो, स्टीरॉयड हो, या कोई भी चीज हो, आपको लेनी है, तो आपको पता रहना चाहिए कब लेनी है, कितनी लेनी है और क्यों लेनी है, और उस लेने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। अभी ये कफ सिरप को अगर मैं रोज पीते बैठूंगा तो डेफिनेटली मुझे नुकसान करेगी, लेकिन अगर ये कफ सिरप को मैं सिर्फ सर्दियों के टाइम पे पीऊंगा तो मुझे फायदा करेगी ना। तो इसी तरह आपको वो पता होना चाहिए, एंड इट्स ए इंडिविजुअल चॉइस। कोई किसी को ये नहीं बता सकता कि क्या आपके लिए अच्छा है। मैंने सिर्फ उसे यही सजेशन दिया, जब आप बिना कुछ लिए नेचुरली, आप इतना इतने पोटेंशियल हो नेचुरली हिट करने में, कि आपने बिना कुछ लिए इतने सारे लोगों को बीट करके, और काफी ऑब्वियसली बेंच प्रेस कॉम्पिटिशन है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट हो, काफी सारे कॉम्पिटिटर्स आते हैं, उनको बीट करके आपने ब्रॉन्ज मेडल लाया, तो आपको तो सिर्फ दो और लोगों को बीट करना है। आप दो लोगों का टारगेट सोचो ना, आप इतनों को तो ऑलरेडी बीट कर सकते हो, आपको तो बिना लिए आप इतनों को कर सकते हो, तो वो दो को भी आने वाले टाइम में कर दोगे। थोड़ी प्रैक्टिस हार्ड रखो, एंड आई एम ग्लैड कि मैं उसे ये बता पाया, एंड आई विश कि वो बंदा हमेशा अपने नेचुरल पोटेंशियल को हिट करे और वो गोल्ड भी लाए नेचुरली। तो मेरा यही मानना है, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया ना कि जिम में लोग जाते हैं बॉडी बनानी है और किसी ने कुछ सजेस्ट कर दिया, अरे भाई उसने बोला तो सही है, वैसे नहीं होता है। आपको जो भी चीज लेनी है उसके पहले आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा, चाहे फिर वो एक फैट बर्नर ही क्यों ना हो, एक वे प्रोटीन क्यों ना हो, आप उसको जाइए, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या आने वाले टाइम में उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, वो देखिए। जरूरी नहीं है कि एक इंसान समुन्द्र में खुद ही मार रहा है तो मैं भी कहता हूँ, मुझे तो तैरना नहीं आता भाई, मैं तो दरिया में नहीं मारू, समुन्द्र तो बहुत दूर की बात है। तो गाइज यही मैं बताना चाहता था इस वीडियो के जरिए माध्यम से, थोड़ी ज्यादा हिंदी बोल रहा हूँ मैं आज, तो यही मैं बताना चाहता था कि अगर आप लोगों को लाइफ में कुछ भी चीज ट्राई करनी है तो आप उसके डिसीजन खुद लो, और अगर आपको लगता है वो सही है तो लो, अगर आपको लगता है कि आप अपनी जान से खेलोगे तो प्लीज, पैशन के लिए जान से नहीं खेला जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप यू लाइक इट। जरूर बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो, और लाइक करना ना भूले, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, वी आर वेरी क्लोज टू 35,000। थैंक यू सो मच गाइज।